हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। घर आया मेरा परदेसी इस सॉन्ग पे इस वीडियो को अपलोड किया गया है। सॉन्ग जो है फिलहाल में ही रिलीज हुआ है और ये यूट्यूब पे ट्रेंडिंग सेक्शन में भी चल रहा है, जो कि टिकटॉक स्टार अदनान और अविश दरबार का है। यदि इस तरह के वीडियो आप बनाते हैं तो हो सकता है कि आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवास्ट एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको 3 वीडियो शूट करना है, अलग अलग पार्ट में और अलग अलग एंगल में, यानी करेंगे 4 से 5 सेकेंड तक वीडियो शूट करना है। वीडियो शूट करने के बाद आप अपने वीडियो को सबसे पहले स्लो मोशन में कर लेना है। स्लो मोशन में कैसे करते हैं, इस टॉपिक से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इस बैकग्राउंड को आपको 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद राइट क्लिक कर देना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और इसे हमें फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। सिंपल नीचे की तरफ करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। फाइनली जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का जो साउंड जो होता है हमारा स्लो हो जाता है, वो स्लो नहीं होगा। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और आपको देखना है यहाँ पर ब्लैक कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2.6 के आसपास आना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। आपको देखना है हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और इसे हमें टेम टू लैपटॉप प्ले हिट कर देंगे। इस वीडियो को प्रेस करके रखेंगे और जहाँ से आपका ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आपको लेकर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और लास्ट पोजिशन पर आना है और जहाँ तक आपको ब्लैक कलर खत्म हो रहा है वहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले म्यूट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो एडिट हो चुका है। इस वीडियो पर प्रेस करेंगे, लास्ट पोजिशन में हमें इसे लेकर आना है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो को अगेन आई की तरफ लेकर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं हमें ब्लैक कलर स्टार्ट हो चुका है, 8.1 के आसपास आना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो सेकेंड वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगेन आगे तरफ लेकर आना है और जहाँ तक ब्लैक कलर दिख रहा है तो वहीं तक का पार्ट चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है, डन करना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। अब फाइनली हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट पोजीशन में आना है और यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्लैक कलर आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके इस वीडियो को प्रेस करेंगे, लास्ट वाले वीडियो को, और यहाँ तक हमें एडजस्ट कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू हम राइट कर देते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करते हैं, इसके बाद ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करूँगा, स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। यदि आपने वीडियो को कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक मिल जाता है कलर फिल्टर, बहुत कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना या फिर वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे कलर एडजस्टमेंट। तो यहाँ से भी आप कलर आगे पीछे कर एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ और आपको मैं एक बार प्ले कर दिखाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो फाइनली एडिट हो चुका है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग सेक्शन में भी है और टिकटॉक पे भी ये साउंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है।
इसके बाद आपको क्या सिंपल, जो मैंने साउंड को म्यूट किया था पहले, उस साउंड को फिर से हमें 100 कर देता हूँ। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।